रूखी स्किन पर कीमोथेरेपी करने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके बाद स्किन में जलन पैदा हो जाती है। लेकिन आजकल मार्केट में ऐसी कई तरीके की दवाइयाँ मिल जाती हैं जिनकी मदद से आप कीमोथेरेपी के दौरान अपनी रूखी स्किन को नमी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये आपकी स्किन की खूबसूरती को नुकसान पहुँचा सकती हैं। अब ऐसे में अच्छा होगा कि आप जब भी कीमोथेरेपी करें तो कुछ खास बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अक्सर लोग कीमोथेरेपी के दौरान गर्म पानी का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन हम आपको गर्म पानी के प्रयोग के लिए मना ही नहीं करेंगे, बल्कि इसकी बिल्कुल ही उपयोग करने से आपको रोकेंगे, क्योंकि इससे आपकी स्किन में मौजूद तेल कम हो जाता है, जिसके कारण वो पहले से ज़्यादा रूखी लगने लगती है। तो अच्छा होगा कि आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। वैसे अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप हल्के गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे आप चाहे तो अपने पानी में हाइपोएलर्जेनिक नामक पदार्थ को डालकर उससे भी नहा सकते हैं। इसके अलावा जब आप स्नान पूरा कर ले तो उसके बाद अपनी स्किन पर लेवेंडर के लोशन का प्रयोग करें। स्नान के बाद आपकी स्किन पर मौजूद पोर्स खुल जाएंगे और उसके बाद जब आप उस पर लोशन का प्रयोग करेंगे तो वो लोशन आपकी स्किन के अंदर तक जा सकेगा और आपकी स्किन को अच्छे से नमी प्रदान कर सकेगा। कीमोथेरेपी के दौरान ये लोशन सबसे अच्छा होता है। यह आपकी स्किन को रूखा ही नहीं पड़ने देता और स्किन पर एक चमक भी हमेशा बरकरार रहती है। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।